everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture, we will discuss about the Amish test for carcinogens. And the basis of test was mutagenicity. म्यूटाजेन क्या होता है? म्यूटाजेन की अगर बात करें तो म्यूटाजेन वैसा केमिकल होता है जो म्यूटेशन कॉज करता है. म्यूटाजेन वैसे केमिकल होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करता है. एमिश टेस्ट की अगर बात करें तो एमिश टेस्ट में जो होस्ट ऑर्गेनिज्म था वो बैक्टीरिया लिया गया था. कौन सा बैक्टीरिया लिया गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. सो एमिश टेस्ट के लिए जो बैक्टीरिया यूज किया गया था दैट वाज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का वह स्ट्रेन लिया गया था जिसमें म्यूटेशन था. अब म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? म्यूटेशन की वजह से हिस्टिडीन बायोसिंथेटिक पाथवे का जो एंजाइम था वो इनएक्टिवेट हो गया. और हिस्टिडीन बायोसिंथेटिक पाथवे का एंजाइम अगर इनएक्टिवेट होगा तो हिस्टिडीन की बायोसिंथेसिस क्या होगी? नहीं होगी. हिस्टिडीन की बायोसिंथेसिस नहीं होगी. और अगर हिस्टिडीन की बायोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये बैक्टीरिया हिस्टिडीन फ्री मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाएगा. सो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को अगर ग्रो करते हैं हिस्टिडीन फ्री मीडिया पे, सो दिस इज द हिस्टिडीन फ्री मीडिया. हिस्टिडीन फ्री मीडिया पे अगर ग्रो करते हैं तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम ग्रो नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे कुछ कॉलोनी दिख रहे हैं और ये जो कुछ कॉलोनी फ्यू कॉलोनीज जो ग्रो हुए साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ऑन हिस्टिडीन फ्री मीडियम इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस बैक म्यूटेशन. किसकी वजह से? स्पॉन्टेनियस बैक म्यूटेशन की वजह से. मीन्स स्पॉन्टेनियस बैक म्यूटेशन से क्या हुआ? जो हिस्टिडीन बायोसिंथेटिक पाथवे का एंजाइम इनएक्टिवेटेड था वो एक्टिवेट हो गया. उसमें बैक म्यूटेशन हुआ और बैक म्यूटेशन होने की वजह से हिस्टिडीन बायोसिंथेटिक पाथवे का एंजाइम जो इनएक्टिवेट था वो एक्टिवेट हो गया. मींस वो नॉर्मल हो गया. सो स्पॉन्टेनियस बैक म्यूटेशन की वजह से ही कुछ कॉलोनी ग्रो हुए हैं. मींस इन कॉलोनीज में हिस्टिडीन की बायोसिंथेसिस हो रही है, इसीलिए ये हिस्टिडीन फ्री मीडिया पे ग्रो कर रहा है. दिस इज द वन एक्सपेरिमेंट. इसके अलावा तीन सेट में और एक्सपेरिमेंट लगाया गया. दिस इज द सेकेंड सेट, दिस इज द थर्ड सेट एंड दिस इज द फोर्थ सेट. अब इन तीनों प्लेट पे क्या किया गया? सेंटर में एक डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर लिया गया. दिस इज द डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर. ये क्या है? डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर. अब इस डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर की अगर बात करें तो इसमें म्यूटाजेंस है. क्या है? इसमें म्यूटाजेंस है. अब इसमें म्यूटाजेंस का कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में है. मीन्स इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है. दिस इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन एंड डी इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन. एंड ये वाला जो है इन दोनों के बीच में है. सो बी सी एंड डी की अगर बात करें तो म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में लिया गया है. और म्यूटाजेन कहाँ है? म्यूटाजेन है इस डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर में. बाकी जो मीडिया है वो हिस्टिडीन फ्री मीडिया है. अगर डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर पे म्यूटाजेन डालते हैं तो यहाँ पे ये डिफ्यूजन होता है. क्या करेगा? सेंटर से पेरिफेरी पे म्यूटाजेन डिफ्यूज करेगा. और जो डिफ्यूजन होगा यहाँ सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो जाएगा वो किस कंसंट्रेशन में जाएगा? डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में जाएगा. मीन्स सेंटर पे हायर कंसंट्रेशन होगा, पेरिफेरी पे लोअर कंसंट्रेशन होंगे. सो जैसे जैसे म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे बैक म्यूटेशन का रेट बढ़ेगा. मीन्स वहां पे कॉलोनी इंक्रीज करेंगे. सो ये सारे कॉलोनीज इंक्रीज कर रहे हैं. मीन्स यहाँ पे म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन कम हुआ है, यहाँ पे म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन डिक्रीज है. लेकिन डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर के आसपास जो एरिया है दे आर क्लियर एरिया. यहाँ पे कोई भी कॉलोनी नहीं है. इट मीन्स कि जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ म्यूटाजेन होते हैं वो क्या होते हैं? लीथल होते हैं सेल्स के लिए. इसीलिए डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर के नियर बाई कोई भी कॉलोनी ग्रो नहीं हुए हैं. सी प्लेट की अगर बात करें तो ये भी
क्या है, लिस्टेड इन फ्री मीडिया है, बट बी के कंपैरिजन में इसमें म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन कम है इस डिस्को फिल्टर पेपर पे। सो यहाँ पे जो कॉलोनी का नंबर है काफी ज्यादा है, मीन्स कंसंट्रेशन जितना कम होगा सेल्स के लिए लीथल कम होगा। सो म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन कम होगा तो यहाँ पे कॉलोनी ग्रो करेंगे, मीन्स यहाँ पे कॉलोनी का कंसंट्रेशन, कॉलोनी का नंबर ज्यादा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करें तो इस प्लेट पे ऑब्वियसली हिस्टिडिन फ्री मीडिया है, बट यहाँ पे म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन काफी कम है, और म्यूटाजेन का कंसंट्रेशन कम है मीन्स सेल्स के लिए लीथल नहीं है, इसलिए इसमें कॉलोनी ग्रो कर रहे हैं। इवन डिस्क के चारों तरफ भी कॉलोनीज ग्रो कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो ये म्यूटाजेन है डिस्क ऑफ फिल्टर पेपर में, ये क्या कर रहा है, बैक म्यूटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, बैक म्यूटेशन कर रहा है, और बैक म्यूटेशन की वजह से हिस्टिडिन बायोसिंथेटिक पाथवे का एंजाइम एक्टिव हो रहा है। एक और केस है यहाँ पे, वो केस क्या है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सेल में इंटर करने के बाद उसमें क्या होते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इसीलिए इस चीज को टेस्ट करने के लिए म्यूटाजेन को इनक्यूबेट करते हैं किसके साथ, मीन्स केमिकल्स को इनक्यूबेट करते हैं किसके साथ, लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ। और केमिकल्स को जब लीवर एक्सट्रैक्ट के साथ इनक्यूबेट करते हैं तो उसके बाद कुछ सब्सटेंसेस भी पाए गए हैं जो कि म्यूटाजेन होते हैं ओनली आफ्टर द ट्रीटमेंट। सो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट विथ लीवर एक्सट्रैक्ट ही वो म्यूटाजेन आइडेंटिफाई होते हैं। सो एमिस टेस्ट किस लिए किया जाता है, एमिस टेस्ट किया जाता है कार्सिनोजेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसका बेसिस क्या है, म्यूटाजेनिसिटी। एमिस टेस्ट का बैक्टीरिया जो लिया गया था वो क्या है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और इसमें म्यूटेशन था किस चीज का, जो कि हिस्टिडिन बायोसिंथेटिक पाथवे के एंजाइम को इनएक्टिवेट कर रहा था। और अगर हिस्टिडिन बायोसिंथेटिक पाथवे का एंजाइम इनएक्टिवेटेड है तो वो हिस्टिडिन फ्री मीडिया पे ग्रो नहीं करेगा। सो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को जब हिस्टिडिन फ्री मीडिया पे ग्रो करते हैं तो कुछ कॉलोनी ग्रो करते हैं, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज स्पॉन्टेनियस बैक म्यूटेशन, और इसको फर्दर ग्रो करते हैं म्यूटाजेन सप्लीमेंटेड मीडिया पे, जिससे कंफर्म होता है कि इस फिल्टर पेपर पे जो केमिकल्स हैं दे आर म्यूटाजेंस, क्योंकि वो बैक म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एमिस टेस्ट।